गूगल ने पिक्सल फोन में दो बग ढूंढने के लिए शोधकर्ता ग्वांगगोंग को इनाम के तौर पर 72 लाख रुपए की भारी भरकम राशि दी है। दरअसल ये बग क्रोम ब्राउजर में वायरस प्रभावित यूआरएल एक्सेस कर सिस्टम सर्वर में ऑर्बिट्री कोड डाल सकते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोंग को एंड्रॉइड सिक्योरिटी रिवॉर्ड्स के तहत अब तक सबसे ज्यादा 67 लाख रुपए और क्रोम रिवॉर्ड्स के तहत 5 लाख रुपए दिए गए हैं। यह प्रोग्राम अगस्त 2017 में शुरू हुआ था, जब अल्फा टीम से ग्वांगगोंग ने एंड्रॉइड सिक्योरिटी रिवॉर्ड्स कार्यक्रम के तहत एक एक्सप्लॉइट श्रृंखला प्रस्तुत की। श्रृंखला में दो बग शामिल हैं, CVE-2007-5116 और CVE-2007-14904। पहला वनरेबिलिटी एक V8 इंजन बग है, जिसका उपयोग सैंडबॉक्स क्रोम रेंडर प्रोसेस वातावरण में रिमोट कोड निष्पादन के लिए किया जा सकता है। दूसरा सुरक्षा दोष एंड्रॉइड के लिब्रग्रालिक मॉड्यूल में पाया जाता है। क्रोम के सैंडबॉक्स से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं गूगल का कहना है कि इस एक्सप्लॉइट श्रृंखला को क्रोम में एक दुर्भावनापूर्ण URL तक पहुंचाकर सिस्टम सर्वर में स्वैच्छिक कोड इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि गूगल URL के माध्यम से ऐसे URL पर क्लिक, साथ ही कहा जा रहा है कि गूगल URL के माध्यम से ऐसे URL पर क्लिक करने के अतिरिक्त मैलवेयर डाउनलोड करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड्रॉइड सिक्योरिटी रिवॉर्ड्स कार्यक्रम के माध्यम से कंपनी एंड्रॉइड की सुरक्षा सुविधाओं पर काम कर रहे सुरक्षा शोधकर्ताओं के योगदान को पहचानती है। अक्टूबर 2017 तक इस कार्यक्रम में शामिल स्मार्टफोन्स में गूगल पिक्सल 2, गूगल पिक्सल, पिक्सल एक्सेल और गूगल पिक्सल सी शामिल हैं। वनरेबिलिटी श्रृंखला को गूगल के दिसंबर सिक्योरिटी अपडेट के पार्ट के रूप में हल किया गया था। इसमें कुल 42 बगों का समझौता हुआ था।